राम राम भाई सभी को। फिर से और नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी सुबह का बज रहा है 8 और बहुत तेज़ से बारिश हो रहा है भाई सुबह से। अभी आज मैं साइकिल रिपेयर करने वाला हूँ, जो पुराना साइकिल जो बहुत सालों पहले मैं चलाता था, जैसे कि ब्लॉग में आप पहले से ही देखते हो पता चल जाएगा। तो वो साइकिल ख़राब हो गया था और बहुत तेज़ भी बारिश हो रहा है। अभी बारिश जैसे ही छूटती है मैं साइकिल ख़राब कर रिपेयर करने जाऊँगा, पहले मिल्क निकालूँगा, फिर मिल्क डिलीवरी करूँगा, उसके बाद ही जाऊँगा भाई। पूरा 1500 का खर्चा है भाई। चलो चलते हैं, साइकिल अपना रिपेयर करके मस्त पूरा चमका के लाएंगे भाई। टोटल पूरा 8 घंटे लग जाएंगे भाई रिपेयर होते हुए। का है चाय, चाय को निकाल देते हैं कॉम में। चाय निकल गई कॉप में, बस सुबह का चाय। आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह सुबह बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, और गाय भी नहीं चरने जा पा रहा है भाई। बाइक को बहुत भूख लगा है, थोड़ा सा ही घास बसा है जिसको मैं और थोड़ी टाइम दे, क्योंकि चारा नहीं रहा, चारा नहीं खा रहा है भाई। और ओलू मेरे को इतना बड़ा लात मारा ना भाई, मैं डर गया। पीछे उसका खड़ा था, अचानक से ऐसे लात मार दिया भाई। और ये देखो बारिश का नामो निशान नहीं है रुकने का, इधर से भी बारिश आ रहा है भाई। बहुत सारी जगह गाय भी भीग गया, थोड़ा सा बाहर बांधा था, अभी थोड़ा सा ही भीग गया है, भीगा है। और लाइन भी चली गई है भाई, साइड दिखाता हूँ कितना तेज़ से बारिश हो रहा है, ये देखो भाई। और अपना वाला घास जो ढक दिया है, यहाँ पे मैंने गोलू के लिए 2 लाइन जो सुपर नापियर की चारा है वो लगाया है। मेरे को घास ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम ये जगह कलिया पर मेरे बात चल रही। और देखो मैंने ड्रेन सिस्टम कर दिया है, पूरा पानी आके उधर जा रहा है भाई। और इधर से जो पानी आ रहा है इसको भी ब्लॉक करने का है। अब यहाँ हमारा बहुत सारे काम पेंडिंग है भाई, मिस्त्री की वजह से कुछ नहीं मिला। मिस्त्री को कम से कम हमारे यहाँ पे काम करना पड़ेगा जितना काम है भाई। ये अभी छत पकाना का है, छत मिस्त्री ही नहीं मिल रहा है भाई। बारिश दिन शुरू हो गया, ये देखो छत अधूरा ही रह गया, जैसे कि ब्लॉग में पता उनके वजह से छत नहीं पका पा रहे थे। अभी ये सारा पानी आके उधर ड्रेन होके उधर से जा रहा है भाई। और ये जगह साफ़ करने का है, क्योंकि होते हैं बहुत सारे काले काले सांप यहाँ से निकलते हैं। और हमने ये एडजस्टर करा लिया बारिश से पहले, तो सही हो गया, ऐसे बेड टूट सकते हैं। और गाय का बेल्ट भी यहाँ पे रखा है। यहाँ पे देखो भाई कितने तेज़ से बारिश हो रहा है। ये वो रहा घास, 2 लाइन मैंने लगाए हैं गोली के लिए, गोली खाएगा भाई। थोड़ा हरा हरा वाला घास खाता है। और हमने 2 धान के बीज उगाए थे ना, गाय ने गिरा दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ आ गए। बाकी सारी हम लोग खेत में भुनाई कर दिए हैं, अच्छे से भून दिए हैं, वो चारा पका दिए हैं। कुछ टाइम के बाद उस चारा को कलेक्ट करके फिर एक एक खेत पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक कलेरे का पेड़ लगाया है, जिसे कलेरा और दिखाता हूँ भाई। तीसरा हूँ घास दे दूँ, क्योंकि ये खा नहीं रहा है भाई, पता नहीं क्यों खा नहीं रहा है, घास की वजह से नहीं खा रहा है। गोलू को थोड़ा घास, इसको थोड़ा घास दे देता हूँ, थोड़ा सा घास दे दिया। और गोलू को भी दे रहा हूँ, गोलू उधर घास खा रहा है वो। और अभी थोड़ा बारिश थोड़ा कम हुआ है, देखो बारिश थोड़ा सा कम हुआ है, देखो हल्का हल्का कम हो गया। और ये खाने के बाद शायद ये खा ले इसमें, क्योंकि चारा दिया रहेगा, नहीं तो चारा है, क्योंकि 1 किलो का 25-26 रुपया आता है, जो कि इसके हेल्थ के लिए मैंने लाया हूँ, मिल्क के लिए नहीं लाया हूँ, जैसे कि आप सभी को बताऊँ भाई। आज साइकिल क्या ही रिपेयर करूँगा भाई, पूरा मौसम गीला गीला हो गया है भाई, कैसे साइकिल रिपेयर करूँगा ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रही। गोलू साइकिल, गोलू बताएंगे हो जाएगा साइकिल रिपेयर, गोलू भी कुछ नहीं बता रहा है। बारिश का नाम रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है नहीं भाई, कब क्या होगा। और एक चीज़ आपको बताने का था भाई, हमारा ओरियो को सर्दी हो गया है, पता नहीं बारिश के भीगने के कारण किसी भी कारण सर्दी हो गया है, इसीलिए ओरियो आज बहुत बार छींक मार रहा है भाई। दुआ करो ओरियो सही हो जाए, सही सलामत हो जाए। ब्लॉक यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी लोग जहाँ से भी देख रहे हो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो भाई, कोई सब्सक्राइब नहीं कर दो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दो। फटाफट से आपके जो दोस्त भाई बहन सबके पास शेयर कर दो भाई। गुड बाय, होली के लिए पहले सब्सक्राइब करो, मेरे लिए बाद में करना, ठीक है ना।
हाँ मैं निकल पड़ता हूँ दूध बेचने के लिए, मेरा 4 लीटर बाहर जाता है तो मेरा को 4 लीटर 40 रुपये मिल जाता है भाई, मतलब 480 रुपये मिल जाता है बाहर से, 160 रुपये तक मिल जाता है। तो और बाकी का दूध मैं सोसाइटी में दे देता हूँ। हुआ था पूरा बारिश हो रखा है भाई मौसम, और ये मैं भी पूरा भीग गया और साइकिल भी भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है भाई। भाई जो लोग पहले से देख रहे हो तो ये मेरा पुराना साइकिल है, इसको मैंने आज सजवाने के लिए दिया था, इसके ऊपर टोटल 1300 का खर्चा हुआ भाई। और ये अभी हैंडल छोड़ के चला सकता हूँ भाई, हैंडल में छोड़ के अच्छे से चला सकता हूँ इसको। पूरा 6 घंटे लग गए भाई रिपेयर होने में, और मैकेनिक ने अभी जाके छोड़ा, शाम 5 बज गए